Brought to you by Techno Camon 30 Series. हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वीआईपी एक सीट थी, वो सीट थी मंडी लोकसभा सीट। मंडी से बीजेपी की तरफ से अभिनेत्री कंगना रनौत मैदान में उतरी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ना नो करते करते कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया विक्रमादित्य सिंह को। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, और उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि मंडी लोकसभा सीट आसानी से निकाल लेंगे, थोड़ा सा टक्कर होगा, लेकिन अंत तक परिणाम ये आया कि वहां से कंगना रनौत तो टक्कर देते देते आगे निकल गई। कंगना रनौत तो को जीत मिलती इससे पहले ही बॉलीवुड से उनको बधाई भी मिलने लगी कि जीत के लिए आपको बधाई, और पहली बार ये होगा जब कंगना रनौत चुनावी मैदान में उतरी और राजनीति में भी क्वीन बन गई। सारी मंडी की जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन को चुना, और डेफिनेटली मेरे लिए पहली बार थी। और जैसा सब कहते हैं कि खास करके मंडी की सीट में बहुत ज़्यादा एक हॉट सीट बन के थी वो, तो एक मंडी के लिए ये एक अस्मिता का और स्वाभिमान का भी एक प्रश्न बन गया था, जिस तरह से मंडी के बेटियों को और हर तरीके से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, अब वो बातें सब हमारे पीछे रह चुकी हैं। महिलाओं को ये एक नया आत्मविश्वास देगा और मंडी जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत विकास करेगी। जो वहाँ से प्रत्याशी जीते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही विश्वास रखता हूँ कि जो बातें कही है वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में उसको वो पूरे हों। और मैं आज भी कह सकता हूं कि आई स्टैंड विद द पीपल ऑफ मंडी। जो भी वहां की हमने बातें करी है उसको हम सरकार से पूरा करवाएंगे, चाहे वो वहां पे हमने स्मार्ट सिटी बनाने की बात रखी है, चाहे हमने टनल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, और जो भी हमने वहां के डेवलपमेंट की बात करी है, क्योंकि मैंने चुनावों में भी ये कहा था कि चाहे जीत हो चाहे हार हो हम उनके साथ खड़े हैं और हम आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे और अपने डेवलपमेंटल कार्यों को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे बीजेपी की एक नई स्ट्रेटजी क्या थी। वो स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि एक तरह जिस तरह से कंगना रनौत खुद कह चुकी है कि कई लोग तो अभिनेत्री के तौर पर सिर्फ उन्हें देखने के लिए आते हैं, लेकिन क्या वो वोट बैंक में बदल पाएगा, इस पर सस्पेंस खुद कंगना रनौत को थी। कई बार कंगना रनौत ये बयान दे चुकी थी, लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो विक्रमादित्य सिंह कई बार ये कह चुके थे कि कंगना रनौत हार जाएंगी और फिर वो बोरिया बिस्तर बांध कर मुंबई रिटर्न हो जाएंगे और वो जमीन पर काम नहीं करेंगे, जीतेंगे तो, लेकिन जीत नहीं होगी, विक्रमादित्य की तरफ से ऐसा कहा गया था। लेकिन परिणाम कुछ अलग ही निकलकर सामने आए। कंगना रनौत भारी अंतर से जो टक्कर तो दिए विक्रमादित्य सिंह, लेकिन उतना नहीं दे सके जितना जीत के लिए जरूरी होती है। इसी वजह से कंगना रनौत वहां से लोकसभा सीट से जीत भी गई, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ हो रही है कि कंगना रनौत का जो बागी अंदाज है, जो वो हर बात पर अपने बयान रिएक्शन देती हैं, अब वही अंदाज दिल्ली में भी देखने को मिलेगा जब कंगना रनौत मंडी से सांसद के तौर पर दिल्ली आएंगे और उसके बाद यहाँ पर भी बयानबाजी होगी। और वहाँ पर ये भी समझने वाली बात है कि विधानसभा के चुनाव थे, विधानसभा के सीटों को लेकर भी कांग्रेस के लिए खुशखबरी जरूर है, लेकिन जो लोकसभा की सीट है उसके लिए वहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा मंडी लोकसभा सीट पर, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कंगना के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी कि कंगना रनौत लोकसभा के चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी और जीत दर्ज कर ली। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।